चलिए इस वीडियो में बात करते हैं CSS लेआउट की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी की और क्लियर प्रॉपर्टी की। तो सीधे इसे एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए एग्जांपल में ये है कि जैसे आपका ये कंटेंट है, ठीक है, तो इसको कंटेन किया हुआ एक HTML एलिमेंट होगा और दूसरा आपका ये इमेज है, ये भी एक HTML एलिमेंट है। तो एक HTML एलिमेंट के लेफ्ट में या राइट में दूसरे एलिमेंट को हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को। तो इसी के लिए हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट। तो नन तो जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि आप फ्लोट नहीं कराना चाहते हैं। द आइटम विल बी HTML एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड जस्ट वेयर इट अकर्स इन द टेक्स्ट में जहाँ पर भी आइटम है वहीं पर ये प्लेस होता हुआ दिखेगा, पर्टिकुलर HTML एलिमेंट जिसके ऊपर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, या फिर लगाई भी है और नन दिया है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी में जब आप लेफ्ट देते हैं तो आपका HTML एलिमेंट लेफ्ट में फ्लोट कर जाता है अपने कंटेनर की रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से राइट जब आप डालेंगे तो राइट में फ्लोट कर जाएगा। इनहेरिट डालते हैं तो इनहेरिट का मतलब ये होता है कि जिस भी HTML एलिमेंट के ऊपर आप फ्लोट प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं वो अपने पेरेंट कंटेनर के फ्लोट प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप इनहेरिट देते हैं। इसमें ये एग्जांपल है सामने, तो ये आपका एक HTML एलिमेंट है जो कि इस कंटेंट को कंटेन किए हुए है, और इसके राइट साइड में आप इसको रखना चाहते हैं तो ये राइट साइड में ये दिख रहा होगा। अब यहाँ से इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर CSS अप्लाई हुआ है और इसमें इमेज सेलेक्टर के जरिए इमेज में फ्लोट प्रॉपर्टी डाली गई राइट, इसकी वजह से इमेज आपको राइट में दिख रही है। यहाँ पोजीशन देख लेते हैं, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये आपका ये वाला है, और ये हेडिंग है ऊपर वाला है, और ये पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ भी फिनिश होता है, और इसी के अंदर आपको इमेज भी दिख रही होगी इसी पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर। तो इसी इमेज को राइट में किया गया है, तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इमेज, फ्लोट और राइट, ठीक है। फ्लोट में क्या डालेंगे, राइट। तो इमेज जो है अपने कंटेनर एलिमेंट के राइट में जाके बैठेगा, ठीक है। तो इमेज का कंटेनर अभी कौन है, इमेज किसके अंदर है, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर है, यानी कि पैराग्राफ कंटेनर एलिमेंट जो है वो कंटेनर की तरह काम कर रहा है इमेज के लिए, ठीक। तो इसके राइट में यानी कंटेनर के राइट में ये बैठा हुआ है, ठीक। तो इसी को हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, फ्लोट की मदद से। तो फ्लोट प्रॉपर्टी में डाले राइट, और यहीं पर अगर आप लेफ्ट डालते हैं तो क्या होगा, ये इमेज जो है अपने कंटेनर एलिमेंट के लेफ्ट में जाके बैठेगी, इस साइड में आपको आती हुई दिखेगी, ठीक। ये लेफ्ट आ गया, तो इस हिसाब से ये होता है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट का एग्जांपल है, और उसके बाद है नो फ्लोट। नो फ्लोट का मतलब है जहाँ पे था वो वहीं पे रहेगा, जैसे कि फ्लोट में अगर आप नन डालिए तो जहाँ पर उसकी पोजीशन है, जैसे आप देखिए तो ये जो पैराग्राफ जो कंटेनर एलिमेंट है इसके आप देखिए शुरुआत में ही ये इमेज है, ठीक है। तो शुरुआत में यहाँ पर भी आपको दिखेगी, यहाँ पर भी शुरुआत में है, यही वो बता रहा है कि अगर फ्लोट में आपने नन डाला, इमेज में आपने फ्लोट में नन डाला, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जहाँ पर इसकी पोजीशन थी इमेज की वहीं पर वो दिखाई देगा। उसके बाद है फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो नॉर्मली डिव एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, हाउएवर इफ यू यूज फ्लोट लेफ्ट वी कैन लेट एलिमेंट्स फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि नॉर्मली जो डिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिस्प्ले होते हुए दिखते हैं डिव एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा एरिया कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने फ्लोट लेफ्ट डाल दिया तो वो क्या होगा, जितने भी आपके डिव हैं वो एक लाइन में हॉरिजॉन्टली फ्लोट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए कितनी डिव है, 1 2 3 तीन डिव है यहाँ पर, ये डिव तीन ही हैं लेकिन इनको बांट दिया गया है, तो ये डिव 1 डिव 2 डिव 3, तो यहाँ पर 3 डिव हैं और तीनों ही डिव पर फ्लोट प्रॉपर्टी लगा दी गई है लेफ्ट, ठीक। तो ये अपने कंटेनर के हिसाब से तीनों डिव जो हैं लेफ्ट में फ्लोट हो जाएंगे। तो इनका कंटेनर कौन है, इनका कंटेनर है बॉडी, ठीक है, तो बॉडी के हिसाब से ये लेफ्ट में फ्लोट हो रही हैं, ठीक। तो ये चीज़ होती है। अब सपोज आप यहाँ से फ्लोट हटा दीजिए तो ये क्या होगा,
ये तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे टॉप टू बॉटम दिखाई देंगे, ठीक है, लंबे लंबे इस टाइप में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिप जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेफ़्ट टू राइट एक एरिया कवर करके रखता है वो, उसी हिसाब से दिख रहा है। वहीं अगर आपने यहाँ पे फ्लोट डाल दिया तो ये काम आसान कर देता है आपका, और ये जो है एक साइड में इन लाइन टाइप में ये दिखने लगते हैं आपके, ये जो डिप एलिमेंट है। तो इस तरीके से होता है। अब इसके बाद है क्लियर, ठीक है, क्लियर फिक्स। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब सिंपली ये होता है कि जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स होता है, मतलब जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है, उसके आगे आने वाला जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसकी पोजीशन को बताने का काम क्लियर प्रॉपर्टी करती है। यानी कि आप फ्लोटिंग एलिमेंट जो होता है उसके लेफ़्ट या राइट में नेक्स्ट एलिमेंट को नहीं बैठाना चाहते, बल्कि उसके नीचे, यानी जो फ्लोटिंग एलिमेंट है उसके नीचे आप नेक्स्ट एलिमेंट को बैठाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फ्लोट प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज़ थी नन, लेफ्ट, राइट, बोथ, इनहेरिट, यहाँ पर भी यानी क्लियर प्रॉपर्टी में भी आपको यही वैल्यूज़ दिखाई देती हैं इसी टाइप के, बस इनका थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि अगर आपने लेफ़्ट डाला तो इसका मतलब यह है कि जो लेफ़्ट फ्लोटेड एलिमेंट्स है उसके नीचे आपका नेक्स्ट एलिमेंट बैठेगा, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप, यानी नीचे बैठने वाले एलिमेंट के ऊपर अगर आपने क्लियर में लेफ़्ट वैल्यू डाली है तो यही होगा कि लेफ़्ट फ्लोटेड एलिमेंट्स के नीचे ही वो अगला एलिमेंट बैठेगा। उसी तरीके से राइट फ्लोटेड एलिमेंट्स के नीचे नेक्स्ट एलिमेंट बैठेगा, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपने क्लियर में राइट वैल्यू डाल रखी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने चार डिप दिख रहे होंगे, एक तो ये डिप वन है, और उसके बाद ये डिप टू है, फिर डिप थ्री है, और इसके नीचे डिप फोर है। इन्हीं के जरिए फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आपको डिप वन क्लास वाला जो डिप वन एलिमेंट है उसके ऊपर सी एस एस अप्लाई की गई है, और इसमें आपकी फ्लोट लेफ्ट डाली गई, तो इससे डिप वन आपको लेफ्ट में फ्लोट होते हुए दिख रहा है अपने कंटेनर के हिसाब से, ठीक। तो इसका कंटेनर एलिमेंट कौन सा है? इसका कंटेनर है बॉडी एलिमेंट, ठीक है, और बॉडी एलिमेंट के हिसाब से लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। तो डिप वन आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, उसके बाद डिप टू दिख रहा है जिसके ऊपर कोई भी फ्लोट इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, तो वो उसके जस्ट बगल में दिख रहा है। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है यानी फ्लोट के बारे में था। अब डिप थ्री क्या है? डिप थ्री में फ्लोट अप्लाई किया गया है, और उसके बाद डिप फोर में क्लियर इस्तेमाल किया गया। तो क्लियर अगर आपने इस्तेमाल किया तो इससे पहले जिस भी एलिमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि क्लियर एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया गया है, ठीक, तो ये क्लियर तभी काम करेगा जब इससे पहले जो फ्लोटिंग एलिमेंट है उसके ऊपर एक फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हुआ, डिप थ्री पे फ्लोट लेफ्ट इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो डिप फोर है, इस डिप क्लास से संबंधित जो डिप फोर एलिमेंट है, डिप है, उसको आप इस डिप थ्री के साइड यानी लेफ्ट राइट में नहीं बैठाना चाहते हैं, बल्कि इसके नीचे बैठाना चाहते हैं, इस डिप थ्री के नीचे बैठाना चाहते हैं, इसलिए आप क्लियर में लेफ्ट वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट इसलिए डाला गया क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट है, ये लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट है, इसके नीचे आप एलिमेंट इस क्लास से संबंधित एलिमेंट को बैठाना चाहते हैं, इसलिए आपने क्लियर में लेफ्ट डाल रखा है। तो अभी आप देखेंगे विथ क्लियर प्रॉपर्टी ये डिप थ्री के नीचे आके ये लेफ्ट ये बैठ गया कर, ठीक है। उसके बाद एक क्लियर फिक्स हैक। क्लियर फिक्स हैक का मतलब ये हुआ कि जो आप ये एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे जैसे आप एलिमेंट इस्तेमाल करते, जैसे इसी एग्जांपल को समझिए, तो यहाँ पर एक ये एलिमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर ही ये कंटेनर एलिमेंट है जो आपका ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है, और इसके अंदर ही आपको ये दूसरी इमेज दिख रही है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये जो इमेज है इस कंटेनर एलिमेंट के बाहर ओवरफ्लो हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, अगर आपने ओवरफ्लो दे दिया ऑटो तो ये भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन इसमें यह है कि इतना सिक्योर नहीं होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिक्योर का मतलब ये हर एक ब्राउज़र सपोर्ट करे इसकी चांसेस थोड़ी कम है इसकी। तो इससे अच्छा उपाय क्या है, हम लोग इसकी जगह पर जो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो ऑटो, ये भी सॉल्व करती है आपकी समस्या, यानी कि जो भी कंटेनर में जो भी इनसाइड जो एलिमेंट है अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है तो इसको आप हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इससे अच्छा मेथड है वो है सीडो एलिमेंट सेलेक्टर।
तो यहाँ पर आपको ये सीडो एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर हम लोग आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर कैसे ये काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक। आफ्टर लिखा हुआ यानी कि इस सेलेक्टर से संबंधित जो डी एलिमेंट है उसके उसके कंटेंट के बाद में आप ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये बोलता है कि इसने कंटेंट ऐड किया है उसके बाद में, यानी कि इससे संबंधित जो डिव है इसके कंटेंट के बाद में कंटेंट ऐड किया, वो क्या है, एम्प्टी है। और क्लियर क्या है, बोथ है, क्लियर बोथ है। और डिस्प्ले कैसा है, टेबल। इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये डिव है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डिव है। और डिव में आपको ऊपर वाला तो आपको पता ओवरफ्लो हो रहा है, इसी चीज़ को हमें सही करना है क्लियर फिक्स हैक से, मतलब हमें इसमें सीडो एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल करना है। तो ये आपका कंप्लीट डिव है, ये कंप्लीट डिव है, और इसी में एक इमेज है और एक कंटेंट है, ठीक। तो ये जो इमेज है ये क्या कर रही है, इस डिव से बाहर जा रही थी, बाहर जा रही थी, तो इसने क्या काम किया, इसने एक टेबल जैसा एक एलिमेंट डाल दिया, इसमें टेबल जैसा कंटेंट डाल दिया। और कंटेंट कैसा है, यहाँ पर कंटेंट क्या, एम्प्टी है, ठीक है। कंटेंट क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस है जो इसने डाला है। किस तरीके से डाला है, जो इसमें फ्लोटेड एलिमेंट है, फ्लोटेड कौन सा है, इसमें इमेज टू है। इमेज टू कौन सी, ये वाली, यानी सेकेंड वाली, जो सबसे नीचे वाली डिप थी इसमें जो सेकेंड वाली है ये इमेज टू है, ठीक है, ये वाली इमेज, यही वाली जो आपको ये दिख रही है, नीचे वाला जो डिप है इसी में। और इसी के ऊपर फ्लोट लगाया गया है, फ्लोट प्रॉपर्टी लगाया गया और राइट में इसको फ्लोट कर दिया गया। और यहाँ पर ये बता रहा है क्लियर पोथ, इसका मतलब है ये जो इमेज टू है इसके दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में और नीचे में ये बैठेगा, मतलब इस इमेज के लेफ्ट राइट में और नीचे ये वाला कंटेंट आके बैठेगा। और इसका बिहेव कैसा होगा, टेबल की तरह होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें बताई जा रही है। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नीचे ही दिखाई देगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है, ठीक। यहाँ पर आप स्टार ऐड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये नीचे इसके फ्लोटेड एलिमेंट के लेफ्ट राइट में बैठा और इसके नीचे बैठा हुआ ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे करिए तो ये देखिए इसके नीचे ही आ रहा है, ये फ्लोटेड एलिमेंट है इसके लेफ्ट राइट में और नीचे ये एलिमेंट बैठ गया, ठीक। और सीडो एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पर आफ्टर इस्तेमाल हुआ है, और उसमें आपने आफ्टर इस्तेमाल किया, तो आफ्टर का मतलब ये होता है इस क्लियर फिक्स से संबंधित जो डिव एलिमेंट है यानी कि जो ग्रीन वाला है इसके टोटल कंटेंट के बाद में ये वाला कंटेंट ऐड होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो टोटल कंटेंट है यानी कि ये वाला और ये इमेज, ये टोटल कंटेंट है, इसके बाद ही ये आकर बैठ रहा है, ठीक है। और कैसे बैठ रहा है, ये इसके हिसाब से बैठ रहा है, इमेज के हिसाब से, क्योंकि इमेज के लेफ्ट राइट में और इमेज के नीचे इसको बैठना है, ठीक। और टेबल डिस्प्ले में आपने इस्तेमाल किया टेबल, तो इसके इसके लिए भी हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे कि ये डिस्प्ले टेबल का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये एडवांस है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्ले इनलाइन पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा है और हिडन है ये सब पढ़ा है, लेकिन टेबल के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए हम बिना टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल किए ही किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को, खासकर डिव एलिमेंट को, एक टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डिव के भी ज़रिए हम एक टेबल बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है, अगर हम लोग डिस्प्ले टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग को आगे ही मिलेगा। तो इस तरीके से इस CSS इस चीज़ को हम लोग जब ऐड करते हैं, इस क्लियर फिक्स वाले डिव एलिमेंट के कंटेंट के बाद ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से जो ओवरफ्लो नेचर है ये हट जाता है, जो इमेज का ओवरफ्लो नेचर ही हट जाता है, हटता है इसीलिए क्योंकि इसको वो पूरा सेटिस्फेक्शन देता है इमेज को कि हाँ इसके नीचे ही बैठना है। और नीचे बैठना है तो इसका मतलब ये स्पेस लेगा, ठीक है, नीचे बैठने के लिए स्पेस लेगा, और स्पेस लेगा तो आपका जो ओवरफ्लो नेचर है इस इमेज का वो उस डिप के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस दोनों के कंटेंट के बाद, यानी ये जो इमेज है इसके कंटेंट के बाद आप ये जो स्टार है इसको ऐड कर रहे हैं, इसी की वजह से एक्स्ट्रा स्पेस बन जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ को बैठना है, स्टार को बैठना है इसके नीचे, ये जो फ्लोटेड एलिमेंट है इमेज है इसके नीचे बैठना है, ठीक है। और टेबल जैसा डिस्प्ले कराना है इसलिए ये उसके जस्ट नीचे बैठता है, और उस हिसाब से ओवरफ्लो जो ये इमेज हो रही थी वो ओवरफ्लो अब नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पर हो रही थी। तो बस इसमें इतना ही था।